अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मिसी हिजाज सफर। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो मेरे मोबाइल का कुछ मसला है, क्योंकि मैंने खुद भी अपनी वीडियो देखी। मेरी वीडियो जो है ना, जो बातें हैं वो आगे पीछे हो गई। तो शुरू से कोई मेरे मोबाइल का मसला है, बंद ऑन करके तो मैं अपनी वीडियो बना रही होती है। तो आज माइयों मिलती है, तो मैं माइयों मिलती पर जाकर बस मैं रेडियो बना रही हूँ। और ये कि इधर सो रही है, तो मैंने बोला जल्दी जल्दी रेडियो जो है ये देखिए इधर सो रही है। तो 6:30 हो रहे हैं, तो 7 बजे तक और 7:30 बजे तक हमें निकलना है। तो बस रेडी होने लगी हूँ, तो बस मेरे साथ ही रहिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे मुझे जल्दी जल्दी आइस बनानी है। और जैसे कि मैंने व्लॉग में बताया था, मेरी हिंदू दोस्त है जिसकी माइयों मिंदी है आज, तो माइयों मिंदी का मेकअप आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। मुझे जल्दी जल्दी मेकअप करना है, क्योंकि एजल सो रही है, टाइम बहुत शॉर्ट है। हो सकता है कुछ चीजें दिखाओ, कुछ चीजें ना दिखाओ। तो यहाँ पे आइस मेकअप करूंगी। लहंगा मेरा डार्क ब्राउन भी है, गोल्डन भी है, तो गोल्डन कलर की आइस बना रही हूँ मैं। अच्छा जी, तो आइस मैंने बनानी है और मैं हो रही थोड़ी सी लेट है, क्योंकि एजल सो रही है और मुझे जल्दी जल्दी होना तैयार। और आज पता नहीं पता चल, मेरे इधर तो रोशनी इतनी हो रही है, मैं जल्दी से रेडी होने लगी हूँ, क्योंकि जहर भी रेडी हो गए और एजल अभी सो रही है। 7:30 हो गए, हमें 7 बजे तक वहाँ पर पहुँचना था। तो बस निकलते हैं हम लोग, वैसे रेडी हो रही, फिर वहाँ पर जाके मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। अच्छा जी, तो हम लोग आ चुके हैं और हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए। अब हम लोग माइयों में भी भरे और फंक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अभी अभी हम लोग पहुँचे हैं जफर, बिल्कुल। और एजल ये है और जफर जी भी मेरे साथ हैं। और भाई मैं कर नहीं, क्योंकि मेरा हाथ नहीं हो रहा। और बताइएगा हम लोग कैसे लग रहे हैं। जफर भी ये, एजल भी ये, एजल की ये ड्रेसिंग मैंने करवाई हुई है। और कल भी हम बहुत ही अच्छा तैयार हुए थे, जो हम लोग नहीं सही से पहुंच सके। बाकी ये है कि वैसे कि अभी जो है हम लोग अभी पहुंचे हैं, तो अभी कोई ख़ास फंक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ, अभी कोई भी नहीं आया, तो हम लोग जल्दी निकल आए थे। अच्छा जी, तो हो सकता है हम लोग घर पे जाएं, काफी लेट फंक्शन बहुत लेट होगा आज, और थोड़ी देर में निकलेंगे, क्योंकि हम पहले ही आ गए थे बहुत ज्यादा। अच्छा जी, तो हम अभी भी आए हैं और ये लेके सफर भी आ चुके हैं, मैं भी आ चुकी हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया था। और ये मैंने घर पर ही मेकअप किया और इतनी जल्दी थी और मैं आप लोगों को सब लोग शेयर नहीं कर पाई। और मुझे बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ, मैं क्या ड्रेसिंग करके गई थी। और ये पूरा मेकअप मैंने खुद ही किया है, ये देखें। तो आइस का सब ये मैंने खुद ही किया है, ये मेरा ड्रेस है। और ये कि मैं आपको दिखाती हूँ पूरा ड्रेस, वहाँ पे इस वजह से नहीं बना पाई क्योंकि सभी थे, तो इस वजह से। बाकी वहाँ पे ना जाहिर है वो लोग भी सामने आते, तो इस वजह से। तो एजल और जफर भी रिलैक्स हो गए, बस अब मैं भी चेंज करूंगी। तो वो ही पूरे 12 हो रहे हैं जी, हो गया। अच्छा, तो 12:15 हो रहे हैं, तो इस वजह से। अच्छा जी, तो चेंज मैं कर चुकी हूँ और हेयर स्टाइल भी समझो क्या हेयर स्टाइल मैंने खुद बनाया है। और बालों में ये जो मैंने लगाए हैं, ये मेरी माइयों के वो आर्टिफिशियल फूल हैं जो मैंने लगाए। और ये सारे मेरे बालों में जफर ने सेट किए हैं। चेंज में जो मैंने कर लिया है, क्योंकि कल की वीडियो अपलोड नहीं हुई, क्योंकि हम चले गए थे वहाँ से, 12 बजे आए हैं, तो ऐसे ही टाइम हो गया, दूसरा दिन स्टार्ट हो गया। तो कल का मेरा ब्लॉग नहीं डला होगा, क्योंकि मेरी हम लोग वहाँ से मेहंदी से लेट आए हैं
मैं आपको अपना हेयर स्टाइल भी दिखाती हूँ। इसमें जफर ने मेरी बहुत हेल्प की है और ये मेकअप वेकअप मैंने खुद किया, हेयर स्टाइल भी मैंने खुद ही अपना बनाया था। और बस मैं दिखाती हूँ हेयर स्टाइल अपना, तो बस इज़र की वजह से ना मैं अपना मेकअप शेयर कर पाती हूँ ना मैं अपनी हेयर स्टाइल शेयर कर पाती, क्योंकि इज़र छोटी है तो बहुत टाइम मेरा उस पर ही जाता है। तो इस वजह से बाकी ये जो हेयर स्टाइल मैंने बनाया है ये माइयों में भी पे भी चल सकता है और ये है कि बारात पे भी चल सकता है और कहीं अगर आप कहीं जाते हो वलीमे पे उस पर भी चल सकता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, तो प्लीज़ मुझे मैसेज पे बताइएगा मेरा व्लॉग आज का कैसा होगा और मैं कैसी लग रही हूँ, ज़फ़र कैसे लग रहे थे, मेरा हेयर स्टाइल वगैरह कैसा लग रहा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें मेरी ज़फ़र ने बहुत हेल्प की है पिन्ने लगाने में, जूड़ा सेट करने में। अच्छा जी, तो मैं अपना हेयर स्टाइल आपको दिखाती हूँ, इसमें पूरी हेल्प मेरी जो है ज़फ़र ने की है। ये वाले जो फूल है ये ज़फ़र ने पूरे सेट किए, ये लोकल फूल है और ये जो है मैंने बीच में ना इसके वो डोनेट लगाया हुआ है, डोनेट के साथ मैंने जुड़ा ये पूरा बनाया है। तो ये सारे ज़फ़र ने मेरे साथ हेल्प की है। देखिए रात का टाइम है, 1:06 हुए हैं, तो अभी हम लोगों ने चेंज वेंज किया है, तो ज़फ़र के लिए मैंने चाय बनाई है। तो ये मामू के घर पे जो हम कल गए थे है ना वलीमे पे, उनकी तरफ से ये बर्फ़ी भी आई है, हमारे मिठाई वगैरह आई है, तो ये हम लोग चाय के साथ खा रहे हैं। और एज़र और ज़फ़र यहाँ पे बैठे हुए हैं, एज़र को मैंने प्यार कर करके उसका मुंह लाल किया हुआ है, तो वो देखो मेरा पूरा ड्रेस ऐसे पड़ा हुआ है और ये देखें सारी चीज़ें मेरी ऐसी पड़ी हुई है। रात का टाइम है, ज्वेलरी वगैरह देखे मैंने ऐसे ही अपनी उतार के यहाँ पे रखी है। तो ये मेरी ज्वेलरी थी जो मैंने व्लॉग में भी आपसे शेयर की है, सारा कुछ मेरे ऐसा पड़ा हुआ है। तो जी यहाँ पे मैं व्लॉग खत्म करती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी, बहुत सारी चीज़ें मुझे सुनी है। तो ये था व्लॉग मेरा माइयो मेहंदी का, जो मैंने आप लोगों से व्लॉग शेयर किया है। तो मेरा मेकअप बताइए, तो मेरा हेयर स्टाइल बताइए और मेरा पूरा ड्रेस भी बताइएगा कैसा लग रहा है। और ये कि वहाँ पे माहौल ऐसा था तो इस वजह से मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाई, तो बाकी जाहिर है मैं गई भी तो वो जैसे कि तो मैं सारी चीज़ें वहाँ की मैंने बीच में नहीं डाल सकती, क्योंकि तो हर किसी की अपनी सर्विस ही होती है, तो इस वजह से। बाकी यहाँ पे ब्लॉग खत्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अल्लाह हाफिज़।